see over here. The next topic is preparation of weekend. There are different methods to prepare alkane. That is what I am going to do. I am going to prepare specifically ethane over here. See, अगर हमको ethane बनाना है और मेरे पास यहाँ पे अगर ethane दिया गया अल्किन में से अल्केन बनाना है, व्हाट डू वी नीड? फर्स्ट ऑफ ऑल अल्किन हैज अ डबल बॉन्ड, अल्केन में सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड टूटना जरूरी है, और अगर डबल बॉन्ड टूटता है तो हमको वहां पे क्या डालना चाहिए? H2 डालना जरूरी है। H2 डालोगे तो ये डबल बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटा और ये टूटेगा, मतलब ये कार्बन और ये कार्बन पे यहां से एक एक हाइड्रोजन ऐड होगा, एक हाइड्रोजन यहां, and because of that this compound will become CH3 double carbon jayega single bond, CH3 double carbon jayega single bond and CH2. ये क्या हुआ? ये bond टूटा, यहाँ से hydrogen और ये hydrogen यहाँ, बराबर ये hydrogen यहाँ हुआ, and that's what हमने यहाँ पे बना के रखा, ठीक है? But H2 सीधा ऐड नहीं होता है, अगर ऐड करना है H2 तो आपको प्लेटिनम या तो पैलेडियम का कैटालिस्ट चाहिए। आप निकल भी यूज कर सकते हो, बट केयरफुल, निकल जब यूज करते हो तो आपको हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर चाहिए, तो वो मेंशन करना जरूरी है, उस टाइम पे भी आप ये चीज कर सकते हो। तो हमने पहली मेटल दे ली कि फिर किस तरीके से हम अल्किन से अल्केन बना सकते हैं। अगर मैंने इथीन से इथेन बनाया तो हम इनसे प्रोपेन भी बना सकते हैं, सेम रहेगी, या तो फिर वी कैन यूज अल्काइन से सॉरी ब्यूटीन से ब्यूटेन भी बना सकते हैं, अलग अलग तरीके से मेटल सेम रहते हैं। आई एम पुटिंग इट इन अ फॉर्म ऑफ अ चार्ट, तो यहाँ पे मैं हर बार एक ही प्रोडक्ट बनाता रहूंगा, बट जो प्रिंसिपल सिखाऊंगा वो आप हर एक जगह पे यूज कर सकते हो। ओके, अगर मेरे पास अल्काइन है, लेट्स से इथाइन, तो इथाइन के अंदर दो बार हमको ये बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, ये वाले और ये वाले, ये तोड़ेंगे और वहां पे हमको H2 ऐड करना पड़ेगा, पर दो बार तोड़ रहे हैं इसलिए आपको 2H2 डालने। अगेन यू मे यूज प्लेटिनम और पैलेडियम, ये कल भी यूज कर सकते हो, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, इज इट पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आई फॉलोइंग दिस। द थर्ड मेथड व्हिच आई डू हियर फ्रॉम अल्काइल क्लोराइड, वी हैव इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड के अंदर हम करेंगे क्या? We are going to add H2 add करना है, लेकिन H2 सीधा आपको नहीं मिलता। अगर H2 add करना है तो आप एक काम करें, जिंक मेटल को HCl के साथ रिएक्ट कीजिए, जिंक एंड HCl कंबाइन होकर ZnCl2 प्लस H2 गैस निकाल, वो H2 गैस यहाँ पे यूज होता है। अभी होगा क्या, यहाँ से एक हाइड्रोजन ये क्लोरीन के साथ कंबाइन होकर -HCl निकाल दे, हाइड्रोजन ने क्लोरीन के साथ कंबाइन होकर ये निकाल दिया, ओके? और दूसरा जो हाइड्रोजन था वो ये क्लोरीन की जगह पे आ गया, दो हाइड्रोजन, ओके? मतलब यहाँ पे क्या हो गया, आपके पास CH3 था क्लोरीन की जगह पे और एक हाइड्रोजन आया था, मिला क्या? इथेन। तो वही तो हम यहाँ पे लेके आए, करेक्ट ना? वही चीज लेके आए, करेक्ट? आप समझ में आ रहा है? नंबर फोर, जरा केयरफुली देखना, तीन नाव, अगर आपने ध्यान से देखा होगा
कि मुझे इथेन बनाना था, इथेन कंटेंट्स टू कार्बन, देन व्हाट एवर द रिएक्टेंट आई हैव टेकन दे ऑल्सो हैज टू कार्बन. इस बार हम कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाने वाले हैं. और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए लेट्स से कि मैं दो कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड लेता हूँ जिसका नाम होता है इथेनोइक एसिड भी बोलते हैं, कॉमन नेम है एसिटिक एसिड. काफी अच्छी तरीके से काफी जाना पहचाना रिएजेंट. अगर हमने उसको रिएक्ट किया सोडा लाइट के साथ क्या किया हमने, सोडा लाइम होता है CaO, तो उसमें होगा क्या, ये वाला हाइड्रोजन निकल जाएगा वहां पे एने लगता है आपको मिलता है सोडियम इथेनॉइड, या तो हम उसको बोलते हैं फर्दर. अगर हम उसको रिएक्ट करते हैं NaOH के साथ, ध्यान से देखना हो क्या रहा है इसके अंदर. यहां से ये NaO और यहां से ये COONa, कितने आइने रिएक्ट होंगे, दो. कितने कार्बन रिएक्ट हो रहे हैं, एक. और कितने ऑक्सीजन, तीन. दो ऑक्सीजन यहां से, एक ऑक्सीजन वहां से, टोटली माइनस Na2CO3 बाहर निकलेगा. और आपको यहाँ पे ये जो बाकी बचा हाइड्रोजन इसकी जगह पे आ जाएगा, दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग CH4 मीथेन मिलता है. हमको चाहिए था क्या, इथेन. हमने बना क्या दिया, इसका रीजन ड्यूरिंग दिस रिएक्शन एक कार्बन कम हो जाता है, यहाँ पे एक कार्बन बाहर निकलता है. इसीलिए जो आपके पास रिएक्टर में जितने कार्बन है उससे एक कार्बन लेस वाला प्रोडक्ट मिलता है. तो ये याद रखना, ये ठीक है किसी उनको ये याद रखते हुए हम कंटिन्यूसली आगे करेंगे. हम क्या करेंगे, अगर मुझे मीथेन बना सॉरी इथेन बनाना तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे नंबर 4 पे आई विल टेक एक कार्बन ज्यादा वाला एसिड लूंगा. प्रोपेनोइक एसिड समझा. एंड आफ्टर टेकिंग प्रोपेनोइक एसिड व्हाट एम आई गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू रिएक्ट विद सोडा लाइट CaO प्लस NaOH. तो आपको मिलेगा CA3 CH2 COONa, जिसको हम सोडियम प्रोपेनोइड बोलते हैं. एंड देन उसके बाद हम रिएक्ट करेंगे NaOH के साथ, सो माइनस Na2CO3 निकल जाएगा. क्या निकल जाएगा, Na2CO3 निकल जाएगा. और Na2CO3 निकल जाएगा आपको इसकी जगह पे क्या मिलेगा, ये चला जाएगा वहां पे H एड हो जाएगा और क्या मिलेगा CH3CH3. ये है आपके प्रिपरेशन ऑफ ओके, उसका ये पूरा चार्ट जिसको हम बाय हार्ट याद रखेंगे. ओके, आपको लर्न करना जरूरी है. आप लिखोगे उसको.